ये उस एतबार की बात है जो मेरे घर वालों ने मेरे पे की है। अब मैं आपके साथ घर जाऊंगी तो क्या सोचेंगे लोग? 100 सवाल जो आप करेंगे मेरे से। वैसे हमारी शादी की डेट भी फिक्स होने वाली है। मुझे खासियान का रिएक्शन देखना कि वो सुन के क्या रिएक्ट करेगा। शादी करेंगे मुझसे? जी आपका दिमाग ठीक है? आज की पूरी रात है आपके पास, सोच लें। कल आऊंगा आपको कॉलेज ड्रॉप करने। घर में दो दो शादियां हैं और तैयारी कुछ भी नहीं। मैं चलूं? दो दो शादियां? हाँ दो दो शादियां। मैंने और भाई ने तुम्हारी और निमरा की शादी की डेट फिक्स कर दी। बाबा बस भी करें, आप बिल्कुल भी आराम नहीं करते। अरे तुम भी तो आराम नहीं करती हो, बस करो। बाबा आराम मैं हॉस्टल में कर लेती हूँ और असल सुकून मुझे सिर्फ आपके कामों में मिलता है। लाइए दीजिए, टाइम देखा आपने? चले सो जाएं अब। कभी कभी बिल्कुल चुड़ैल हो जाती है अपनी बाँ की तरह। बस करें पापा, सो जाएं अब। जुबारिया देखो कब से तुम्हारा फोन बज रहा है, कोई जरूरी कॉल होगी। बीबी को याद कर रही होंगी। मैंने और भाई ने तुम्हारी और निमरा की शादी की डेट फिक्स कर दी है। जिस दिन अनस की बारात जाएगी उस दिन मैं निमरा को तुम्हारे साथ रुखसत करूंगी। दिया ना सरप्राइज। पता नहीं कौन किसको सरप्राइज करेगा। हेलो गाजियान। बीपी गोल, यहाँ मेरी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। आपको तो हैरत नहीं हुई होगी, मुझे बहुत होती है। ये कैसी रवायतें हैं? इंसान अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकता। जकिया ने बहुत गुस्सा किया होगा, है ना? सुन लिया, सह लिया आपके लिए और इस लॉन्ग ड्राइव के लिए तो आपकी नकचड़ी भांजी के साथ ही पूरे रास्ते छींकता आया हूं। मजाल है दो लफ्ज हमदर्दी के निकले। बीबी गुल, आप तो जकिया पप्पो को इतने करीब से जानती हैं। आपने ठीक कहा था, वो फैसले सुनाती नहीं, अपने फैसलों का आदी बना लेती। लेकिन उसके कुछ फैसले इतने गलत भी नहीं होते गाजियान। उसे जिंदगी की जितनी समझ कल थी ना, आज उससे भी ज्यादा होगी। और तुम तसल्ली रखो, तुम्हारे मामले में वो कभी गलत नहीं सोचेगी। लेकिन बीबी गुल, जब हम सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं तो समझ भी हम सबकी अपनी होती है, वो मेरे लिए सोचेगी क्यों? ऐसे नहीं कहते, जकिया ने तुम्हें माँ से बढ़ के प्यार दिया है। इसीलिए मैं उनके लिए ज्यादा सोचती हूँ। वो आपको गलत समझती है, मुझे आप ठीक लगती हैं। लेकिन बात गलत और सही की नहीं है, बात उन गलत फहमियों की है जो कोई दूरी नहीं करना चाहता। बीबी गुल, हम रिश्तों के साथ इतने जालिम कैसे हो सकते हैं?
कुलसे, तुम लाख हक जता लो, लेकिन ये याद रखना कि गाजियान सिर्फ मेरे भाई का बेटा है। वो तुमसे मिलने आ गया, उसका एहसान समझो। अब उसकी आड़ लेकर कोई नया खेल मत खेलना शुरू कर देना। तुम्हारे हमारे दरमियान जो रिश्ता नाता था वो खत्म हो चुका है, और जो बचा था वो तुम्हारी इस हरकत के बाद बिल्कुल खत्म हो गया है। भैया आपने क्या कहा? कौन सा खेल, कौन सी हरकत? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों के दरमियान सब ठीक हो जाए। आपको किस बात का इल्जाम दे रहे हैं? सच कड़वाएंगे। वो ऐसी हरकतें ही क्यों करती है जिस पे उसको इल्जाम दिया जा सके? लेकिन फुप्पो, उन्होंने कुछ नहीं किया। बस गाजियान, अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। इस लाहासिल बहस में ना अपना वक्त जाया करो और ना मेरा। मैं अदरक की चाय बनाती हूँ, पियो और कंबल में जाके लेट जाओ। पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अरे बाबा, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था, आप मुझे बुला लेते। आपकी तबीयत नहीं सही? नीचे पानी पीजिए। आपके सर में दर्द हो रहा था, सर दबा दूं आपका? आज एक मुद्दत के बाद मैंने तुम्हारी माँ को ख्वाब में देखा, और क्या ही अच्छे रूप में थी। बहुत खुश नजर आ रही थी, मुझसे कह रही थी मेरे लिए सुर्ख चादर लेके आइएगा। ये कहते कहते खुदा जाने कहाँ गायब हो गई। मेरा दिल चाहा मैं उससे पूछूं, अरे पागल, तुझे आज भी सुर्खियां पसंद है? बाबा जान, वो उस दुनिया में खुश है। दरअसल उनको आपकी फिक्र थी, इसलिए वो आई थी आपसे मिलने। मुझे लगता है उसको तुम्हारी फिक्र है। सुर्ख चादर वो दरअसल तुम्हारे सर पे देखना चाहती है। बेटियां जितना पढ़ लिख लें, माएं तो सिर्फ ये चाहती हैं कि उनका घर बस जाए,
वो मुझसे नाराज होगी, बहुत नाराज होगी। बाबा आपको उनकी नाराजगी से डर लगता है? ये रिश्ता ऐसे ही होता है, तरह तरह के डर लगे रहते हैं, जुदाई के डर, नाराजगी के डर, और फिर सारी उम्र अकेले रह जाने का डर। बाबा जान आप अकेले नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और वैसे भी मैं आज सोच रही थी कि अपना हॉस्टल छोड़ दूँ। आने जाने का इतना मसला तो नहीं होता, लेकिन लेट हो जाती हूँ कभी कभार। नहीं नहीं, हॉस्टल तो तुमको मैंने अपनी मर्जी से भेजा है, ये रोज रोज का सफर आसान थोड़ी है। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। देखो ये डॉक्टर बनने का जो ख्वाब मैंने तुम्हारे लिए देखा है, इसे तुम पूरा करना है। बाबा जान आपका ख्वाब मेरे जीने का मकसद है, वो तो पूरा होगा ही, लेकिन आप भी तो अकेले हैं, मामा मुझसे भी तो नाराज होंगी। तो मैं जब उसके पास जाऊंगा तो उसको समझा लूंगा। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, आप जाए बगैर भी समझा सकते हैं, दोबारा ऐसी बात ना कीजिएगा। थके? मैं देख रहा हूँ आपका वर्कआउट प्लान ज्यादा वर्क नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नापसंदीदा फैसले का बोझ और ज्यादा वजन थका देते हैं, इंसान ज्यादा आगे नहीं चल सकता। वाह वाह, डिपेंड करता है आप किसके साथ चल रहे हैं, आपका पार्टनर ही आपकी असल एनर्जी होता है। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर की लॉयल्टी चेंज हो जाए तो वो सारी एनर्जी साथ ले जाता है, और हमें उस वक्त एहसास होता है जब हमारे हाथ खाली होते हैं। बाबा कबीर अंकल दोनों के हाथ ही खाली हैं इस वक्त, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, अनस और निमरा को बहुत नुकसान हुआ है जिसका किसी को एहसास नहीं, एक कोशिश तो की जा सकती। ये गुलजेब ने कहा? नहीं बाबा, आपको पता है मायूसी मेरी फितरत में है, मैं ज्यादा देर पेसिमिस्टिक होकर नहीं सोच सकता। बाबा जब ज़किया बप्पू का गुस्सा आता है तो मैं कबीर अंकल का सोचता हूँ, मेरे ख्याल में खुप्पो के गुस्से का असली टारगेट तो उन्हीं को होना चाहिए, हम बिला वजह बीच में आ जाते हैं। अगर तुम्हारे इन ख्यालात का इल्म ज़किया को हो जाना तो वो तुमसे भी सारे रिश्ते खत्म कर ले। बाबा रिश्ते खत्म होने की सिर्फ एक ही सूरत होती है, जब रिश्तों में प्यार ही खत्म हो जाए तो पीछे क्या रह जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी गलत फहमियों का गुबार खूनी रिश्तों के दरमियान दीवार खड़ी कर देता है। बाबा कोई तो आगे आए इन गलत फहमियों को दूर करने। आपको एक सच बताऊं, बीबी गुलाब को बहुत मिस करती हूँ, आपको भैया बुलाते हुए उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बाबा चलो चलते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। आपको मालूम है मुझे ये नहीं पसंद, आप क्यों इसका ग्लास भर के मेरे सामने रख देती हैं? आप ये गाजियान को दे दें, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। वो अगर अपने कमरे में होता तो उसी को दे देती। क्या वो चला गया इतनी जल्दी, उससे बात भी नहीं की उसने? मामा आपने जरूर उसे कुछ कहा होगा, आपको मालूम है ना उसके गुस्से का। उसको भी तो मालूम है ना मेरे गुस्से का,
हवा के झोंके जैसा होता है, फिर भी नाराज हो गया। अब अफसोस हो रहा है मुझे, नाश्ता किए बगैर ही चला गया। वो किसी से नाराज नहीं है, मुझे बता रहा था कि शहर से बाहर उसे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना पड़ रहा है, इसलिए जल्दी चला गया। रात उसकी तबीयत भी खराब थी, आज ना जाता तो क्या था, आराम कर लेता कुछ। मैं भी चलती, मुझे देर हो रही है। जमशेद, एक तो आप भी ना इतना शोर मचा रहे होते हैं जल्दी जल्दी का, और फिर खुद ही देर किए जाते हैं। एक तो आपको भी ना बच्चों की तरह बिल्कुल ट्रीट करना पड़ता है। चलें, फिर अभी देर और मजीद हो जाएगी। अरे आप इस वक्त? जी वो जुबारिये की कुछ किताबें रह गई थी मेरी गाड़ी में, सोचा उन्हें कॉलेज में जरूरत पड़ेगी इसीलिए आ गया। पर सुबह सुबह इतना लंबा सफर, आप जुबारिया को फोन कर देते, जमशेद पिक कर लेते। एक्चुअली मेरी टीम करीब में एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, मेरे लिए तो रूटीन का सफर है, वैसे भी ये लंबा सफर अब आसान लगने लगा है मुझे। ओ चलें, ये तो अच्छा है। तो मैं जुबारिया को यहीं बुला लूं या आप अंदर चलेंगे? नहीं, मैं बाबा जान से मिलना चाहूंगा, कल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन अधूरी रह गई थी। चले जमशेद, आप तो जाएं, आपको तो देर हो रही है। और फिक्र ना करें, मैं इनकी खूब खातिर तवाजा करके ही भेजूंगी। मुझे तो कल का ही अफसोस है, हम दोनों घर पे नहीं थे। पता नहीं आपको शायद किसी ने डिनर का पूछा भी या नहीं। नहीं। मैं बाकी इस वक्त जल्दी हूँ, आपसे फिर मुलाकात। चलें, आई मैं आपको बाबा के पास ले जाऊं। आ जाना वैसे इतना भी जरूरी नहीं था, ये बुक्स तो आप या कल या कभी भी दे सकते थे, आपने खाम खा इतनी जहमत। बाबा जान, ये मेरे फेवरेट राइटर की नई बुक, आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम आराम से बैठ के इस पे बात करेंगे। और देख, मैंने आपके लिए कोई जहमत नहीं, प्लीज आप इनकी बातों में ना आइए। बाबा जान, आप जानते हैं ये डिफेंस मिनिस्ट्री की हाई पोस्ट पर है, और अभी ये अपने सारे काम काज छोड़ के आपके पास यहाँ आए हैं आपको बुक्स देने। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत, मैं बाबा जान को मिलके जा ही रहा था। इस खुशफहमी में ना रहिए, ये तकल्लुफ मैंने नहीं भाभी ने की है, और वैसे भी कल आपकी सही मेहमान नवाजी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से भाभी बहुत दुख है। खुद से लड़ते लड़ते अगर थक जाए तो बता दीजिएगा, हथियार डालने का कोई अच्छा तरीका बता दीजिए। बेटी, आपकी बातों से अंदाजा हुआ मुझको, आपने जिंदगी को खूब करीब से महसूस किया है, जीने की लगन है आपने। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में खुशी की किरण आई है, और वो भी शरारत से भरी। सुन लिया आपने, ये बाबा मुझे कह रहे हैं, आपको नहीं। बाबा जान, आपके मैंने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, और आपने डेली चेंज करने हैं, और ये सारी बुक्स एक दिन में नहीं पढ़ लेनी आपने। अरे बेटा, मैं इतना माजूर भी नहीं, कभी छोटे मोटे काम ना कर सकूं। तुम जाओ, अपनी तैयारी करो जाने की। और हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम बहुत दिनों से कुछ पढ़ाई की तवज्जो नहीं दे रही। ये मुझे भी नजर आ रहा है, आपका तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं था, मिस कर दिया आपने। चले मैं आपको छोड़ देता हूँ, इनका कॉलेज मेरे रास्ते में है। बाबा जान, आपका क्या ख्याल है, मैं इनको कॉलेज छोड़ दूँ, कहाँ टैक्सी में ख्वार होती रहेगी? मुझे टैक्सी में जाने की आदत है, और मैं अपनी आदतें खराब नहीं करना चाह रही। आप जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। जुबारिया बेटा, कोई हर्ज नहीं है, अगर वो जा रहा है उस तरफ, रास्ते में तुमको ड्रॉप कर देगा, तुम्हें क्या इतराज है? मुझे कोई इतराज नहीं है, जाओ तुम इसके साथ। अजनबी है कभी जागती सी रातें, दोबारा हमें जिंदगी में किसी ना किसी पे तो एतबार करना पड़ता है, और एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद ही एतबार पर बनी हो। थोड़ा सा वक्त मैंने आपके बाबा जान के साथ गुजारा, ये सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, और शायद उनको इंसानों की भी पहचान है। आपने उनको ये बताया कि आप कल क्यों आए थे?
कमाल की एक्टिंग कर लेते हैं आप। ये बुक्स कल या कभी भी आ सकती थी, आज आना इतना भी जरूरी नहीं था। सुपारिया, मैं अपनी जिंदगी का हर वो लम्हा जो मेरी दस्तरस में आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मेरी इस ख्वाहिश पे कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मेरे लिए मेरी ख्वाहिशात, मेरे ख्वाब बहुत अजीज हैं। आपकी नजर में शायद ये सेल्फिशनेस हो, क्या करूं, खुद को बदल नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं, आपके ख्वाब क्या हैं और आपकी ख्वाहिशों की हद क्या है, ये सब जानने में मैं कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इंटरेस्ट मी, मैं आपकी किसी बात से इंप्रेस नहीं हूँ। आगे चलिए, वक्त की कदर करिए। वक्त की कदर ही तो कर रहा हूँ, इतनी मुश्किलों से हाथ जो आया है। दोबारा कल रात जब मैं यहाँ से जा रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना आप यहीं कहीं छोड़ आया। बहुत मुश्किल से रात गुजरी मेरी, सुबह होते ही खुद को लेने आ गया। अब मिल गया ना अपना आप, अब वापस अपने रास्ते पे लौट जाए, नहीं तो बाकी सारे दिन भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मैं ज़ाकिया मामी को ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूँ। बीवी गुल ठीक कहती है, अच्छी लड़की एक रास की तरह होती है। लेकिन आपको एक सच बताऊं, इस राज को पाने के लिए अगर मुझे बाबा जान के दरवाजे पे बार बार भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, चाहे रिजल्ट जो भी हो। मुझे आगे बढ़ने में यकीन है, पलटना मेरी नेचर में नहीं। बस राजन, जो तुम सोच रहे हो अब सुन नहीं सकता, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। यहीं रुक जाओ, इसी में हम सब की बेहतरी है। बस हुआ क्या है, सही से खेल ही नहीं रही, कोई मूड ही नहीं है खेलने का, मतलब नो इंटरेस्ट, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड होके। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा मूड नहीं है। ओहो, मूड नहीं है क्योंकि सुबह गाजियान की शक्ल नहीं देखी। निमरा, तुम इमोशनल होकर सिर्फ अपना नुकसान कर रही हो, एंड ऑनेस्टली इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशन सिर्फ उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, किसी और का प्रॉब्लम नहीं होती। एंड गाजियान को तो फर्क भी नहीं पड़ता है तुम्हारे जीतने या हारने से, छोड़ दो उसे, वो ठीक हो जाएगा। मसला गाजियान की एब्सेंस नहीं, उसकी इग्नोरेंस का है। पहले मुझे लग रहा था काम का बर्डन है इसलिए वो ऐसा कर, पर ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। क्या बात है ये मैं नहीं जानता। हाँ तो छोड़ दो ना उसे, खुद आएगा तुम्हें ढूंढते हुए। निमरा निमरा, मर्द की वीकनेस बनना अच्छी बात है, लेकिन मर्द को अपनी वीकनेस बना लेना कोई अकलमंदी की बात नहीं। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब देख मैं इस फाजियान के बच्चे का क्या हाल करूं। प्लीज, ने खुद मुझसे माफी ना मांगी तो मेरा नाम भी निमरा कपूर। दैट्स इट, चलो। गुल आंटी, इस दफा जब कबीर अंकल आए ना तो आप उन्हें वापस मत जाने दें। इस तरह अपनों से दूरी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल टूरिस्ट वाली जिंदगी हो गई है उनकी। अल्तमश की रूटीन तो आप समझ ही सकती हैं। मुझे लगता है दोनों की मुलाकात सिर्फ वीकेंड पे होती है।
मैंने तो हमेशा यही चाहा कि वो वापस आ जाए अपने घर, क्योंकि उनके दिल का खालीपन उन्हें कभी टिकने ही नहीं देता। मैंने उनसे बात की थी इस दफा, बड़ी खूबसूरती से टाल गए, कहने लगे रिश्तों को बांध के रखना खुदगर्जी है, मुझे बेवफा ही रहने दो। ये खुदगर्जी का टाइटल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी तो वो एक नहीं सुनती, और जिससे सुनना चाहते हैं वो उनसे कुछ कहती नहीं। दोनों ने पूरी जिंदगी गुजार दी अपनी अपनी अना का घर बचाने में। कबीर भाई का दुख तो अपनी जगह, लेकिन मुझे तो सखिया की जिंदगी का खालीपन भी रुलाता है। तन्हा औरत अपनी जिद के खोल को अपनी ताकत बनाना चाहती और फिर टूट जाती। आप बिल्कुल ठीक है, ये तन्हाई हर हाल में बुरी है। अल्तमश को आरसीएस ज्वाइन करने के लिए मैंने खुद कहा, लेकिन अब मुझसे उनकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आपको एक बात बताऊं, जब वो मुझे बहुत ज्यादा याद आते हैं ना, तो पता नहीं बिला वजह मैं उनसे लड़ना शुरू कर देती। ये तो औरत की मोहब्बत का अंदाज है अजल से, वो अपने इजहार को तकरार के पर्दे में छुपा लेती। गुलांटी, अल्तमश बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। गुड इवनिंग लेडीज, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं बीबी गुल का बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, और इससे ज्यादा इंतजार मेरे बस का काम नहीं। बिना सोचे समझे तुम बोल, इंतजार तुम कर नहीं सकते। मुझे बताओ कि तुम्हें जिंदगी में जल्दी किस चीज की? मैं तो जल्दी में हूँ मैम, आप पर तो ओवर स्पीडिंग का चार्ज लग सकता है। इतनी उम्र तो नहीं है वैसे आप, जितनी अचीवमेंट्स आपने अपने नाम करना। वैसे ये बताएं कि लोगों का दिल जीतने का हुनर आपने कहाँ से सीखा? मुझे भी बताइए, मैं भी किसी का दिल जीतना चाहता हूँ। दिल जीतना इतना मुश्किल काम नहीं है, पहले तुम दिमाग को काबू करना सीखो, जिंदगी आराम से गुजरेगी, समझे? जी, तुम गुलांटी के साथ फ्यूचर प्लानिंग करो, मैं एक पेशेंट को देख के आती हूँ। I'm impressed, baby girl. कमाल की डॉक्टर है वैसे, और बोलती भी कितना अच्छा है। डॉक्टर भी कमाल की और इंसान भी बहुत अच्छी। अल्तमश बड़ा खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला ने उसके हिस्से में घर का बाहर दोनों का सुख लिख दिया। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, रात को तुम यहाँ से गए और अभी फिर वापस, क्यों तुम भाईजान और जकिया को मुझसे मजीद बदजन करने पर तुले हुए? वो तो ये समझेंगे ना मेरी अपनी कोई गर्ज है। गर्ज मेरी हबीबी को कोई कुछ भी समझता है? आपने खुद ही तो कहा घर और बाहर का सुख, मैं भी कुछ ऐसे ही चाहता हूँ बीबी को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा सारा दुख सुख सुबारिया के साथ लिखा जा चुका है, बस उसके साथ ये सुख दुख बांटने का अप्रूवल चाहिए मुझे, वो भी लीगल वाले, आपसे, उसके घर वालों से और अपने घर वालों। वो मेरा मसला, और आपको पता है मैं अपने मसले खुद हैंडल करता। और निम्रा, उसे हैंडल करना आसान नहीं होगा, जकिया की बेटी है वो। ये कैसे मुमकिन है कि जो बात बचपन से उसके दिमाग में डाली गई हो वो आसानी से उससे दस्तबरदार हो जाए? दिमाग को हमेशा दिल की सुननी पड़ती है दीदी, तुम्हें उससे भी मेरे दिल की सुननी पड़ेगी।
हेलो, सोचा आपकी खैरियत पता कर लूं। आपका दिन तो अच्छा ही गुजरा होगा। मसला तो उनको होता है जो कुछ अपना पीछे छोड़ाते हैं। जी, क्योंकि मैं अपने दिन और रात अपने कंट्रोल में रखती हूँ, इसलिए मेरे सारे दिन बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। आपने कॉल की, शुक्रिया। मैं अपने एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ और मैं अपनी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाह रही, इसलिए। प्लीज प्लीज संजीता खातून साहिबा, की बात सुने बगैर उनका फोन नहीं बंद करते, मैनर्स के खिलाफ होता है। गाजियान, थैंक, इतनी अपनाइयत से मेरा नाम तो लिया। चलें आज के लिए इतना ही काफी है, कल आऊंगा 8 बजे आपको पिक करने, मेरे साथ करेंगे हम। आपका दिमाग खराब है? आपको ये क्यों लगता है कि आप जो भी बोलेंगे मैं सुनती जाऊंगी? आप कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हैं। अब आप प्लीज मुझे कॉल मत कीजिएगा, ये मेरा हॉस्टल है, आपकी गाड़ी नहीं, जिसमें आपकी बातें सुनना मेरी मजबूरी थी। लगता नहीं, यकीन है जुबारिया, आपको वही सुनना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिन भी नहीं। चले, आपकी बदगुमानी आज ही दूर कर देता हूं। तुम इतना गुस्सा भी कर सकती हो? ओ माय गॉड जूबी, तुम्हारा ये रूप मैंने पहली बार देखा है। हम एक साल से साथ रह रहे हैं, तुम्हारी इतनी ऊंची आवाज, इतनी रूढ़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी। फटाफट बताओ ये चक्कर क्या है, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कौन है ये जो कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाता है? इफी प्लीज मुझे मेरी असाइनमेंट कंप्लीट करने दो, फजूल की बातें मत करो। मेरी बातें फजूल हो सकती हैं? वो बड़ा स्मार्ट निकला जिसने तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। ओ माय गॉड, इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। इफी, एग्जैजरेशन की एक हद होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। अच्छा ये बता दो, कॉलेज का है, मैं जानती हूँ उसे। इफी नहीं जानती तुम उसे, प्लीज अब मुझे काम करने दो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, अब प्लीज बैठ के लंबी कहानियां ना बनाना शुरू कर देना। कहानियां तो बन ही जाती हैं जब किसी पे इतना गुस्सा आने लगे। गुस्से का मतलब समझती हो ना तुम? यार तुमने खुद ही तो कहा था हमें गुस्सा उन्हीं पे आता है जो हमारे दिल के करीब होते हैं। बाबा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलके एहसास होता है कि बस जिंदगी यही है। मैं नहीं जानता कि मैंने उसके बारे में ये सब कुछ सोचना कब शुरू कर दिया, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। बस गाजियान, जो तुम सोच रहे हो अब सुन नहीं सकता, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। यहीं रुक जाओ, इसी में हम सब की बेहतरी है। जानते हो कि तुम्हारा और निमरा का रिश्ता? बाबा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आपने मेरा और निमरा का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया, लेकिन बाबा मुझे वो रिश्ता तब तक ठीक लगता था जब तक मैंने जुबारिया को नहीं देखा था। अब मेरा दिल नहीं मानता इस रिश्ते, कैसे निभा सकता हूँ बाबा? तो उसमें निमरा का क्या कसूर है? तुम्हारी और उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, क्या उसे दुख देकर तुम खुश रह सकोगे? बाबा उसको तो मैं अब शादी के बाद भी खुश नहीं रख सकता। नाफकत मेरी फितरत में नहीं बाबा, मैं पूरी जिंदगी निमरा के चेहरे में सुभारिया को ढूंढता रहा, उसके साथ ये ज्यादती नहीं कर सकता। वो एक बेहतरीन साथ डिजर्व करती है बाबा। क्या वो लड़की भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचती है? अगर उसकी तरफ से इनकार हो गया तो? बाबा ये जो अगर मगर का झगड़ा है ना, इसमें मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि ये शादी मुमकिन नहीं। आप प्लीज फूफो को समझाएं। तो ये
आखिरी फैसला है। ख्वाहिश है मेरी बाबा, फैसला तो उस वक्त होगा जब जब आप मेरा साथ देंगे, और मुझे यकीन है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। अजीब लड़की है बाबा, ना हंसती है ना रोती है, ये भी बता दूं सादा लिफ्ट नहीं कराती है। मैं उसी के चक्कर में बीबी गुल के घर जाता हूँ, और इसे बात ज्यादा पसंद नहीं। गाजियान, तुम्हें उसके चक्कर में वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं लकिया को क्या जवाब दूंगा, निम्रा से कैसे नजरें मिलाऊंगा? तुमने अपने बाप को किस मुश्किल में डाल दिया है? अगर सकिया को मालूम हो गया तो कयामत आ जाएगी। एक तरफ कबीले की बेटी, दूसरी तरफ उसकी भांजी। ओ माय गॉड, बाबा आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया। क्या बन रहा है? नजर नहीं आ रहा कॉफी बन रही है। नजर तो आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। एक कप ही क्यों? अब हम दोनों एक कप में कॉफी पीने से तो रहे। मैंने दो कप कॉफी बनाना छोड़ दिया क्योंकि हम दोनों की टाइमिंग्स जो अलग अलग हो गई। I'm sorry निम्रा, तुम्हारे और मेरे रिश्ते भी अलग हो गए हैं। छोटी सी नाक पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ये लो अपनी जहरीली कॉफी और खुद ही पियो।
ताने मैनू सैया सैया में ढोला। अगर आपको मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना तो प्लीज वापस पलट जाए। और अगर गाजियान ना माना तो फिर एक और रिश्ता भी टूट जाएगा और वो बाप बेटे का रिश्ता होगा। जिस रिश्ते की आप बात कर रही हैं, मैंने उसको बुनियाद बना के कभी निम्रा से कोई वादा नहीं किया। उसकी और निम्रा की शादी उसी डेट पर होगी। अब क्यों इस खुशफहमी में कि आपका गाजियान मुझसे शादी करेगा? कौन है वो जो मेरी निम्रा की जगह लेना चाहती है, बोलो। सुपारी अब्बास। ऐसी हुई है ये दुनिया पर आई।